साजन के ढंग हो गया तेरा काला कया। काफी समय से बीमार हैं, उनके लिए प्रसाद भी है और जो भाई नशा करता है उनका नशा। कितने ऊंचे भाग है, हमारे शिवानी में होना था, शिवानी में नहीं होना पाया, बड़ुए में होया जी। हाँ, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मार्जिया का, भाई हमारे को ये प्रोग्राम मिला। भाई जितने भी बहन भाई हैं जो पहली बार आ रहे हैं, बैठो उनके लिए चाय और बिस्कुट की व्यवस्था अगर से बैठ जाए तो भाई आ रहे हैं, पहले उनको नाश्ता करा रहे हैं, पहले चाय पिला रहे हैं, बिस्कुट खिला रहे हैं। बहनों को बहनों की साइड में, भाइयों को भाइयों की साइड में आराम से बैठ, भाइयों को चाय और बिस्कुट मिलेंगे जी। उसके बाद में आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, सारी चीज की व्यवस्था है, आप आराम से सज जाए बैठ जाए। कोई भी भाई दाया भाई जो पहली बार आ रहे हैं, जो नशा मुक्ति के लिए आए हुए हैं, सारे बहन भाई बैठ जाए जी। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप अपना देखते रहें, जितने भी बहन हैं भाई हैं जो पहली बार बच्चे लेके आ रहे हैं, नए जीव आ रहे हैं, सभी से प्रार्थना, सभी को आप चाय चाय पिलानी है, बिस्कुट पिलाने हैं, आराम से प्रेम का ध्यान दें, आराम से बैठे आप। साजन के ढंग हो गया तेरा काला कया नशे ने चेहरा, तेरे लहू तो रया ना पिया गात में। सारे बहन भाई राम राम भाई, मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापत शिवानी रहा, आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कन्फ्यूज, फिलहाल आप शिवानी उपमंडल के बड़वा गांव में पहुंचे हैं, जो डेरा प्रेमियों द्वारा जो है वो समय समय पर मानवता भलाई के कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। तो आज शिवानी उपमंडल के गाँव बड़ुआ में डेरा प्रेमियों द्वारा नशा मुक्ति अभियान को गति दी जा रही है। गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी लाइव चलेंगे स्क्रीन के ऊपर, मैं कैमरा मैन से कहूंगा एक बार पूरी स्क्रीन दिखा दे भाई, आप देख सकते हो ये यहाँ पर स्क्रीन लगाई हुई है पंडाल के अंदर, और संत गुरमीत राम रहीम सिंह जो है वो लाइव आने वाले हैं नशा मुक्ति के ऊपर जो है वो कार्य करेंगे आज। जितनी मानव में जितनी बुराइयां हैं उस बुराइयों के खिलाफ मतलब एक जंग छिड़ी हुई है, समय समय पर जो है वो डेरा प्रेमियों द्वारा मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं, जैसे जरूरतमंद व गरीब की सहायता करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, सफाई अभियान चलाना, डेरा प्रेमियों द्वारा समय समय पर मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं। तो आज शिवानी उपमंडल के गाँव बड़ुआ में मैं कैमरा मैन से कहूँगा चारों तरफ घुमा के पूरी तस्वीर दिखा दे भाई, आप इस वीडियो ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो, क्योंकि मानवता भलाई का जो कार्य है वो हर ग्रुप में डालना चाहिए, सच्चाई को हमेशा शेयर करनी चाहिए। चाचा इंद्र सिंह, चाचा राम राम, चाचा आज क्या विशेष है बड़ुआ में, आप देख रहे हैं कि इतनी सारी संगत इकट्ठी हुई है, क्या विशेष? बहुत खुशी की बात है, हमने कभी सपनों में नहीं सोचा था जी हमारे को ये सत्संग मिलेगा। पिताजी ने हमारे पर बहुत रहमत करी और पिताजी ने ये बीड़ा ठा रखे है, वह नशा जड़ से मुटाएंगे जी। जो आज का जो कार्यक्रम वो नशे के ऊपर है जी सारा। तो किस प्रकार संत जी मतलब लाइव चलेंगे? हाँ, लाइव प्रोग्राम चलेंगे जी, और जितने भी संगत आई उनको, जैसे काफी समय से बीमार हैं उनके लिए प्रसाद भी है, और जो भाई नशा करता है उनका नशा छुटाएंगे जी, प्रसाद देंगे उनको। तो सात संगत में कितना उत्साह देखने को मिला? बहुत ज्यादा जी, पहली बार हमने ऐसा प्रोग्राम देखा है जी, मालिक की दया मेरे से। हमने सुवाणी में देखो इन बड़ुआ कितने ऊंचे भाग है, हमारे सुवाणी में होना था, सुवाणी में नहीं होना पाया, बड़ुए में होया जी। हाँ, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मार्जिया का, भाई हमारे को ये प्रोग्राम मिला, और हम सारी संगत इतनी खुश है जी, बहुत ज्यादा कहने सुनने से परे। तो भैया इंद्र सिंह जी थे, इनके विचार आपने जाने, क्योंकि समय समय पर ये भी जो वो सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते रहते हैं। मैं फिर कहूंगा कैमरा मैन से अगर पूरी तस्वीर दिखा दे भाई, माता बहनों की जो तादाद है वो भी मतलब पूरी तादाद है स्टेडियम के अंदर, और इधर जो भाई लोग बैठे हैं, यानी कि संगत इतनी ज्यादा है कि तिल भर की भी जगह स्टेडियम के अंदर नहीं है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके हर ग्रुप में डालें, ताकि ये मानवता भलाई का कार्य है वो हर व्यक्ति तक हर बंदे तक पहुंचना चाहिए। तो भाई क्या की देर कर दो वीडियो ने शेयर, अगली वीडियो मिलेंगे फिर एनपीएस न्यूज के लिए। कैमरा मैन सतीश के साथ ग्राम पंचायत बड़वा से नरसिंह प्रजापत की रिपोर्ट। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ।
लंदन से दूसरा तरह। भाई जितने भी बहन भाई हैं जो पहली बार आ रहे हैं, बैठो उनके लिए चाय और बिस्कुट की व्यवस्था कर रहे हैं। आराम से बैठे तो भाई आ रहे हैं, पहले उनको नाश्ता करा रहे हैं, पहले चाय पिला रहे हैं, बिस्कुट खिला रहे हैं। बहने को बहने की साइड में, भाई को भाई की साइड में आराम से बैठे। सभी बहन भाइयों को चाय और बिस्कुट मिलेंगे जी। उसके बाद में आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था, सारी चीज की व्यवस्था है। आप आराम से सज जाए बैठ जाए। कोई भी भाई दाएं बाएं तो उधर नहीं घूमेगा। जो पहली बार आ रहे हैं, जो नशा मुक्ति के लिए आए हुए हैं, सारे बहन भाई बैठ जाए जी। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप अपना देखते रहे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितने भी बहन है भाई है जो पहली बार बच्चे लेके आ रहे हैं, नए जीव आ रहे हैं, सभी से प्रार्थना, सभी को आप चाय चाय पिलानी है, बिस्कुट पिलाने हैं, पानी की व्यवस्था करनी है। आराम से प्रेम का ध्यान दें, आराम से बैठे आप। बहुत खुशी की बात है।